नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा में आखिर बेटियां कब सुरक्षित होंगी? बेटियों पर लगातार आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा के गुरुग्राम से है। हरियाणा में गुरुग्राम का फोर्टिस अस्पताल सवालों के घेरे में है। एक लड़की ने अस्पताल में उसके साथ रेप होने का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक लड़की से तब रेप हुआ जब वो आईसीयू में वेंटिलेटर पर थी। वहीं अस्पताल का कहना है कि उसने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। लड़की का आरोप है कि जब वो वेंटिलेटर पर पूरी तरह से होश में नहीं थी तब इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने आरोपी का नाम विकास बताया है, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। लड़की के पिता की तरफ से जो शिकायत पुलिस में दर्ज की गई है उसके मुताबिक 21 अक्टूबर को 21 साल की पीड़ित लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांस लेने में तकलीफ के बाद भर्ती कराई गई लड़की की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसे अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। 6 दिन बाद जब पीड़िता को होश आया तो उसने अपने पिता को शारीरिक शोषण वाली बात बताई। जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसके मुताबिक 21 से 27 अक्टूबर के बीच लड़की के साथ रेप की वारदात हुई। बता दें कि 28 अक्टूबर को लड़की के पिता ने गुरुग्राम के सुशांत लोक थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक फोर्टिस अस्पताल जांच में सहयोग कर रहा है। उधर फोर्टिस प्रशासन का भी कहना है कि इस तरह की हरकत अस्पताल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल का पक्ष, अस्पताल की ओर से कहा गया है कि 21 अक्टूबर 2020 को मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसे सांस लेने में तकलीफ थी और टीबी की समस्या थी। पीड़िता महेंद्रगढ़ की रहने वाली है और उसे सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भर्ती होने के बाद से मरीज वेंटिलेटर पर थी और एडमिट होने के 6 दिन बाद उसने अस्पताल के एक स्टाफ पर रेप का आरोप लगाया है। फोर्टिस का साफ कहना है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायत आने के बाद हमने पुलिस को भी इसकी सूचना दी। अस्पताल प्रशासन पुलिस की जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। आपको बता दें कि फोर्टिस देश के महंगे और नामचीन अस्पतालों में से एक है। अस्पताल में पीड़िता को पूरी सुरक्षा दी गई है। पीड़िता के पिता ने अस्पताल में अपनी बेटी की देखभाल पुरुष स्टाफ द्वारा किए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस अस्पताल पर सुरक्षा और सुविधाओं के नाम पर भारी भरकम रकम वसूलने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस अस्पताल में सुरक्षा मिल रही है? क्या इस अस्पताल में मरीजों की सेवा सही तरीके से हो रही है? एक युवती 21 साल की है जो फोर्टिस हॉस्पिटल में 21 अक्टूबर से एडमिट है। हालांकि वो अभी तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट है और 27 तारीख को उसने अपने फादर को कुछ हिंट्स में बताने की कोशिश की और एक दो लाइन लिखी है जिस पर फादर ने अज्यूम किया है कि हो सकता है उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई हो। उस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्या कुछ अभी तक की तफ्तीश में सामने आया है? अभी सारा हॉस्पिटल का जो ऑन ड्यूटी रिकॉर्ड है, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, वो हमने कब्जे में लिया है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह कब्जे में ली है और उनको खंगाला जा रहा है। क्या कुछ सीसीटीवी में पीड़िता का मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टीम के द्वारा कराया जा चुका है? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सच अभी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। अभी रिकॉर्ड एंड ऑल अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसने, लड़की ने सिर्फ एक नाम लिखा है, उसके बारे में वो बता नहीं पाई है, विकास नाम। तो उस पर भी तफ्तीश जारी है। विकास नाम के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, वो मेडिकल, नॉन मेडिकल, सब की हमने सूची तैयार कर ली है और उन सबसे पूछताछ जारी है। अस्पताल प्रशासन का किस तरीके का रुख है इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, अस्पताल प्रशासन का सहयोग के रूप में ही रुख रहा है और स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन है और स्टार्टिंग का स्टेप अस्पताल प्रशासन के द्वारा ही लिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.